अमेरिका ने अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। अमेरिका ने कहा कि अमरनाथ गए यात्री पूजा के लिए गए थे, जो कि उनका अधिकार है, और इस तरह का आतंकी हमला चिंता का विषय है। अमेरिका ने मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति दुख भी जताया है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रणय, क्या जानकारी? देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इस बात की निंदा की है कि जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ अमरनाथ यात्रियों के ऊपर, निश्चित रूप से निहत्थे सिविलियंस को जिस तरीके से टारगेट किया गया, अमेरिका की तरफ से यही कहा गया कि ये बहुत ही दुखद है जिस तरीके से पूजा करने के लिए गए उन लोगों को टारगेट किया गया जो अपना राइट टू वर्शिप एक्सरसाइज कर रहे थे। ये एक जो निजी स्वतंत्रता होती है उसका हनन है, उस पर हमला है। निश्चित रूप से इस तरफ भी अमेरिका ने इशारा उठाया, उंगली उठाई कि जिस तरीके से पाकिस्तान में कई प्रतिबंधित संगठन प्रतिबंधों के बावजूद उन्हें धता बताते हुए सक्रिय हैं, खासतौर पर ऑनलाइन सक्रिय हैं, ये केवल भारत के लिए नहीं बाकी दूसरे मुल्कों के लिए भी और अमेरिका के लिए भी चिंता का सबब है। आप देखें कि पिछले कुछ समय में जिस तरीके से पाकिस्तान से आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया है और जिस तरीके से बयान अमेरिका की तरफ से भी आए हैं, खासतौर पर पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उसमें भी आतंकवाद का मुद्दा प्रमुख तौर से उठा था। अब देखना यह कि किस तरीके से केवल अमेरिका ही नहीं बाकी अन्य मुल्कों की तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, करीब 10 मुल्कों की तरफ से अब तक प्रतिक्रियाएं आई हैं जिसमें उन्होंने अमरनाथ में हुए आतंकी हमले की निंदा की है, लेकिन अब देखना है कि किस तरीके से विश्व में इस मुद्दे को लेकर लामबंदी होती है कि निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को इस तरीके से निशाना बनाया न जाए। शुक्रिया प्रणय। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक विमान जंगल पर गुलाबी रंग का केमिकल गिराने लगा। यहां कई इलाकों में पहाड़ों पर भीषण आग लगी। आग का दायरा बढ़कर हजारों एकड़ तक फैल चुका है। इसीलिए विमान से जंगल पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। कैलिफोर्निया के ब्यूट के पहाड़ी इलाके में जंगल में भीषण आग लगी है, जिसे बुझाने के लिए 5,000 दमकल कर्मी दिन रात मशक्कत कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के ब्यूट और ऑरोविल इलाके में लगी आग 5,600 एकड़ इलाके में फैल चुकी है। प्रभावित इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक अब तक 4,000 लोगों को आग से प्रभावित इलाके से निकाला गया है, जबकि 7,500 लोग अब भी फंसे हुए हैं। आग का सबसे ज्यादा असर अलामो में दिखा, जहां आग 29,000 एकड़ इलाके में फैल चुकी है। इस इलाके के 5,400 घरों पर आग की चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा है। कैलिफोर्निया में धधक रही है भयंकर आग पिछले महीने लगी थी, जो अब 14 जगहों पर फैल चुकी है। भीषण आग को देखते हुए कैलिफोर्निया में आपातकाल की घोषणा की गई। इस आग की वजह से जंगल किनारे बसे इलाके से हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। आग की चपेट में आकर सैकड़ों गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं, वहीं ब्यूट में 10 घर भी जंगल की आग में स्वाहा हो गए। And it was just very scary. I literally sat. आग बुझाने के लिए विमान के अलावा हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। आग वाली जगहों पर हेलीकॉप्टर से लगातार पानी की बौछार की जा रही है। प्रशासन के मुताबिक तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाने में काफी दिक्कत आ रही है। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बावजूद यात्रा बेखौफ जारी है। आज भी अब से थोड़ी देर पहले श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के बाद यात्रियों को जो सुरक्षा है वो उसकी और बढ़ा दी गई। इसके अलावा जो यात्री श्राइन बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, अब उन्हें भी पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। जीएसटी पर बीजेपी के अंदर ही आवाज उठने लगी। मध्य प्रदेश की बीजेपी विधायक पारुल साहू ने सैनिटरी नैपकिन पर 12% जीएसटी लगाए जाने के विरोध में वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक कपड़ा व्यापारी ने जीएसटी के विरोध में एक गाना बनाया। हम सब ने तुझको वोट दिया, यूं हमको रुलाना ठीक नहीं। दिल्ली से रांची जा रहे एयर एशिया के विमान में इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश के आरोप में एक यात्री को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि वो अदालत का आदेश सही से लागू करें। SYL विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को साफ निर्देश दिए कि दोनों राज्यों में किसी तरह के प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर लगे 3 साल तक चुनाव लड़ने के बैन के मामले पर जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टल गई। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पतंगबाजी के लिए नायलॉन और किसी सिंथेटिक सामग्री से बने मांझे पर रोक लगा दी।
फिल्म जग्गा जासूस का नया प्रोमो अफलातून जारी कर दिया गया, जिसमें कहीं रणबीर भावुक तो कहीं मस्ती करते दिख रहे हैं। अफलातून है थोड़ा कार्टून, सर फिरा पर बंदा होशियार। फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का में काम कर रही कोंकणा सेन से सेंसर बोर्ड के एक सदस्य ने माफी की मांग की। सेंसर बोर्ड के सदस्य ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर कोंकणा सेन पर आरोप लगाया कि उन्होंने सेंसर बोर्ड की सोच को पिछड़ा हुआ बताया था। अनिल कपूर और ऐश्वर्या बच्चन फिल्म फन्ने खा में 17 साल बाद एक बार फिर साथ दिखेंगे, जिसकी शूटिंग अगस्त में शुरू होगी। फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का का नया गाना लेली जान रिलीज कर दिया गया, जो कि अफगानिस्तान के लोक संगीत पर आधारित है। लेली 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 जान 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 बिना पूछे हाय हाय, दीदी देती देती जान 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 बिना पूछे हाय हाय। संजय दत्त और श्रीदेवी 25 साल बाद एक बार फिर निर्देशक अभिषेक वर्मन की फिल्म में साथ काम कर सकते हैं। फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 5 टका लगाने का 25, टका लगाने का 5, और जो खड़े खड़े ताड़ है ना उसका 20। आज का सिलवाने आए हो? आज केवल ताड़ने। असम में आई बाढ़ की वजह से कांजीरंगा नेशनल पार्क में जानवर भी परेशान हो गए। लगातार बढ़ते जल स्तर के बाद जानवर कार्बी हिल्स की तरफ जाकर शरण ले रहे हैं। जानवरों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने भी कई कदम उठाए हैं। जानवरों की सुरक्षा के लिए NH-37 पर भी वाहनों को धीमी गति से चलने की हिदायत दी गई है। NH-37 पर अब तक सड़क हादसे में 6 हिरण की मौत हो चुकी है। रूस की राजधानी मॉस्को में एक शॉपिंग मॉल के बाहर हेलीकॉप्टर उतरने लगा। यहाँ इस शॉपिंग मॉल में आग लगी थी, जिसमें झुलसकर 14 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। मॉस्को के रियो शॉपिंग मॉल में ये आग तब लगी जब यहाँ लोगों की भारी भीड़ थी। हादसे के वक्त हजारों लोग मॉल में खरीदारी कर रहे थे। जैसे ही मॉल में आग लगी, अंदर की ओर काला धुआं भरने लगा। ये देख लोग घबरा गए और अपनी जान बचाकर भागने लगे। आग की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और तेजी से लोगों को मॉल से बाहर निकालने में जुट गई। इसी बीच दमकल की 58 गाड़ियां और 400 जवान मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। कुछ ही घंटों में मॉल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये आग कपड़ों के एक शोरूम में लगी थी और शोरूम में रखा आग बुझाने वाला यंत्र भी काम नहीं कर रहा था।